अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वेस्टकोट की कटिंग मुकम्मल बताएंगे। यह है जिसकी लेंथ 27, ये तीरा है 16.5, चेस्ट है 40, पेट भी 40 है इसकी, कमर और गला 16 है और हिप जो है वो है 41 जी। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर लेंगे और ये किनारा भी सीधा कर लेंगे। पहला निशान 1 इंच का, दूसरा भी 1 इंच का। ये हर किसी का डॉन एक जैसा नहीं होता। अब इसका मैं 2 इंच कर रहा हूँ, किसी का 1.25 होता है, किसी का 1.5 होता है, किसी का 1.25 होता है, किसी का 2.5 भी होता है। तो जिस तरह शोल्डर होते हैं ना, उसी हिसाब से ये कटिंग होती है। अब ये वाला जो निशान है दूसरा, इससे लेके यहाँ नीचे तक हम लेंगे चेस्ट का चौथाई 10 इंच। इससे ऊपर हम 2 इंच का निशान लेंगे। ये 17 इंच कमर का निशान है इसका। ये लंबाई इसकी 27 है और इसको 27.5 पे निशान ले लेंगे। ये वाला जो निशान है ये 1/2 इंच का है, ये वाला 1 इंच का है। यहाँ से लेंगे 1.25 और यहाँ से लेंगे 2। ये भी हर पमाइश का अलग अलग निशान होता है, किसी का 1.5 होता है, किसी का 1.25 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 2.25। शोल्डर है इनका 16.5 और हम लेंगे 17.5। कॉलर इनका है जी, गला इनका 16 इंच और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। वेस्टकोट का जो बैन होता है, यानी कि कमीज वाला जो बैन होता है वो 1 इंच फालतू लगता है और वेस्टकोट का जो है वो 2 इंच फालतू लगता है गले की बमाइश से। अब मिसाल के तौर पर इसका 16 गला है तो इसका 18 बैन लगेगा। ये 1/2 इंच दबाव है। तो
ये भी कमर का चौथा हिस्सा, ये चेस्ट का चौथा हिस्सा, ये कमर का चौथा हिस्सा, ये हिप का चौथा हिस्सा, और आगे जो आगे वाला निशान है ये हाफ हाफ इंच जो है ये है दबाव। और ये जो शेफटिया इधर इसी हिसाब से रखेंगे, फ्रंट में इस तरह आती है और बैक में इस तरह आती है। ब्रेक लो ये वाला जो निशान लगाना है ना, ये वाला इस मार्क से थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि सूत्र डेढ़ सूत्र ऊपर होना चाहिए इस मार्क से, दो सूत्र, बकाया सारे सेम ही लगाने हैं। अब इस निशान से लगाएंगे लंबाई का निशान, ये लंबाई कितनी है, लंबाई काटी थी 27.5 और ये 27.5 पे निशान लगाएंगे। बैक का तीरा हमने ढूंढ के तो 2 इंच का करेंगे 2.25। बैक का तीरा काटा था हमने 3 इंच और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा काटेंगे, यह आएगा 4 इंच, और यहाँ से हम डाउन करेंगे 3.5 इंच।
में से 1 इंच का निशान लगा के और फिर हम लेंगे तीरे का साइज, तीरा 16.5। और बैक पल्ला उठा के और ये वाली पैमाइश जो है ना आपस में इसको मिला लेंगे कि बराबर है या नहीं है, यानी कि 170 ये फ्रंट पल्ला छोटा होना चाहिए। इधर ये चेस्ट का चौथा हिस्सा और इस आगे 3 इंच उजें, ये कमर का चौथा हिस्सा और 3 इंच लूजिंग, ऐसे ही हिप का चौथा हिस्सा, हिप 41 है और ये आएगा 10.25। और 3 इंच लूजिंग ये 5 इंच चाक का निशान है इसका, जो बैक पल्ले में भी दिया था। अब जी इसकी तख्ती जो काटनी है ना, तख्ती का निशान, ये वाला जो निशान है ना, ये क्रॉस इससे तकरीबन 170 पीछे हो और इस निशान तलक लेना है ये। अब यहाँ से लेंगे जी गुलाई, इधर से 1.5 इंच का निशान लेंगे हाफ बनाने के लिए और ये कर्व लेके इधर गुलाई कर देंगे। और तकरीबन ये 1/2 इंच इधर से शेप देनी है। अब जी ये बैक पल्ले को सीधा कर लिया है, अब इसके ऊपर फ्रंट वाला पल्ला रख के देखेंगे। ये वाला जो टुक लगाया ना, ये सिलाई से इधर होना चाहिए, सिलाई से इधर नहीं होना चाहिए, इस निशान से थोड़ा सा पीछे हो। और बकाया ये जो है ये छोटा बड़ा होता है, ये बैक वाली साइड पे जब इसको वो करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो ये बैक साइड पे थोड़ा सा मुड़ेगा ये।